मणिपुर में लागू किया जाए राष्ट्रपति शासन, शिवसेना ने उठाई मांग। कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार को शिव सैनिकों ने मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने के साथ मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा। शिव सैनिकों का कहना है कि मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने, उनके साथ सामूहिक बलात्कार करने व उनके परिवार के लोगों की हत्या करने का शिवसेना कड़ा विरोध करती है। मणिपुर में गत 4 मई को लगभग 1000 लोगों की भीड़ ने 2 महिलाओं को निर्वस्त्र परेड कराई थी, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया था तथा उनके परिवार के 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। घटना की रिपोर्ट 21 जून को दर्ज की गई थी। मणिपुर में हुई घटना देश और दुनिया को शर्मसार करने वाली है। मणिपुर हिंसा को लेकर शिव सैनिकों ने मांग की है कि मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने के साथ दोषियों को फांसी तथा संबंधित पुलिस बल के जवान व अन्य दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, जो हमारी मणिपुर सरकार है, ये कर क्या रही है समझ में नहीं आती। और हमारे ये समझ में ना आता कि महिलाएं ये सहती क्यों हैं, खुद अपने रक्षा खुद क्यों नहीं कर रही हैं, क्यों फूलन देवी को नहीं अपना रही हैं, क्यों बंदूक गोली नहीं उठा रही हैं। बंदूक उठाएं सिर्फ गोली मार रहे चौराहों पर खड़े होकर, जैसे फूलन देवी ने अपनी रक्षा खुद की, ऐसी महिलाओं को खुद अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। नहीं तो ऐसे ही महिलाओं पर अत्याचार होता रहेगा, चाहे सरकार मणिपुर की हो या उत्तर प्रदेश की हो। सरकार बिल्कुल बेकार है, सरकार किसी लायक नहीं है, ये कुछ कर ही भी नहीं पाएगी। ये तो बेकार हो गई है, ये तो चूड़ी पहने कंगन पहने घर बैठे। आज डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, हम चाहते हैं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा दुर्भाग्य है या भाग्य कि हमारी महिला जो है राष्ट्रपति, वो भी एक महिला है, वो कुछ नहीं कर रही है, वो बोल भी नहीं रही है इस विषय पे कि महिला राष्ट्रपति शासन लगे या नहीं लगे, वो भी पता नहीं क्यों मौन भरी बैठी है। जी, क्या नाम आपका? डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरहिया, जिला प्रमुख शिवसेना मुरादाबाद। आज शिवसेना भवानी सेना की जिलाध्यक्ष ठाकुर मंजू राठौर के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित ज्ञापन में मणिपुर सरकार बर्खास्त कर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। ज्ञात हो कि मणिपुर में लगभग 2-2.5 महीने से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं को नग्न घुमाया जा रहा है, महिलाओं के साथ सामूहिक रेप किए जा रहे हैं, महिलाओं की हत्याएं की जा रही हैं और महिलाओं के परिवारजनों की भी हत्याएं की जा रही हैं। लगभग 2-2.5 महीने में सैकड़ों से ज़्यादा महिलाओं की हत्याएँ हो गई हैं, गैंगरेप हो गए हैं, परिवारजनों की हत्याएँ हो गई हैं। शिवसेना मांग करती है कि केंद्र सरकार को चाहिए कि मणिपुर सरकार बर्खास्त कर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। याद हो कि यदि आज की महिलाएं वीरंगना फूलन देवी जी को अपना आदर्श बना लें तो उन्हें सरकार के भरोसे बैठे रहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वह अपनी आत्मरक्षा खुद कर सकेंगी। महिलाओं का बलात्कार करना तो दूर, उन्हें कोई टच भी नहीं कर पाएगा यदि वह वीरंगना फूलन देवी जी को अपना आदर्श बना लें। आज महिलाओं को अपनी आत्मसम्मान की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, आत्मरक्षा के लिए खुद उन्हें तैयार रहना पड़ेगा और खुद उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णा नगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अपरा क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थ्रोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अति अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्विलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णा नगर, मथुरा।